वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियोस से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक जो है किसी भी द्रव का एक उबलन बिंदु होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलता है। उबलने का अर्थ यह है कि वह उस द्रव वह जो ताप दिया गया है उस द्रव को, वह इतना सक्षम है कि वह उस द्रव के अणुओं के बीच में जो बाइंडिंग है, जो एक तरह से आकर्षण वाले है, उसको तोड़ने में सक्षम है वह ताप। तो जब द्रव के अणुओं में जो आकर्षण बल होता है वह टूटने लगता है तो द्रव के अणु स्वतंत्र होने लगते हैं और वेपर में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ये वाष्प के जो अणु होते हैं ये एक तरह से जब स्वतंत्र होते हैं तो ये उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये स्वतंत्र होते हैं तो एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं जिसको उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो किसी द्रव का वाष्प दाब क्या है? उसी द्रव के अणुओं का स्वतंत्र रूप से एक तरह से जब वह स्वतंत्र हो जाते हैं, उनमें कोई आकर्षण नहीं रहता है, तो वह स्वतंत्र होकर उस एनवायरनमेंट में रैंडमली गति करने लगते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक प्रेशर जनरेट करने लगते हैं जिसको हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो यह जो वाष्प दाब है यह एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो भी एक प्रेशर लगाती हैं किसी भी वस्तु के सरफेस पर, तो उसके बराबर जब हो जाता है इस कोई द्रव का वाष्प दाब तो वह जो ताप होता है जिस पर ये किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो हम उसे कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। ठीक है, तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुदाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुदाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जिस ताप पर द्रव उबलता है, ठीक है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ समझने वाली हैं, एक तो वायुदाब और दूसरा है वाष्पदाब। वायुदाब क्या है? वायुदाब जो है वायु में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वायुमंडल को बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और भी बहुत सारे हैं, CO2 वगैरह हैं, ये सारे अणु जो हैं ये भी एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं वायुमंडल में। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इनका दाब ज़्यादा होता है और ये आपस में टकराते हैं ये अणु, और साथ ही साथ ये एक प्रेशर लगाते हैं किसी भी वस्तु पर जो कि एनवायरनमेंट में उपस्थित है, किसी भी प्रकार की वस्तु पर, उसके सरफेस पर एक दाब लगाते हैं ये वायुमंडलीय अणु। इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, जो कि सामान्य रूप से सामान्य एनवायरनमेंट में एक ATM होता है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं और उस द्रव की जो वाष्प बनती है उस वाष्प का दाब जब एक ATM हो जाता है और एक ATM के बराबर जब हो जाता है तो हम उस द्रव को मतलब उस ताप को, उस द्रव का हम क्वथनांक कहते हैं जो कि एक ATM होता है। अब वो एक ATM कितने ताप पर हो रहा है वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जब वायुदाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, जब वायुदाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जब वायुदाब घटता है तो क्वथनांक घटता है। कहने का मतलब यह है कि जब वायु का दाब अधिक होता है तो वह द्रव के अणुओं को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, इन द्रव के अणुओं को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव के अणु बाहर निकलते हैं,
वेपर के रूप में, गैस के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो दाब है, वायुमंडलीय दाब, ये अगर ज़्यादा होता है तो ये इन अणुओं को निकलने से, बाहर निकलने से रोकता है, इसको उबलने से रोकता है, इस जल को उबलने से रोकता है। तो वायुमंडलीय दाब अगर ज़्यादा है, या कोई भी दाब, अगर वायु दाब अगर ज़्यादा है इस द्रव के ऊपर ज़्यादा है, तो वह देर से, वह बहुत ही अधिक ताप में उबलेगा, मतलब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वायु दाब अगर घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, ठीक है। वायु दाब जब घटता है तो क्वथनांक घट जाता है, क्योंकि ये जो जल के अणु हैं, इनको बाहर निकलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर कोई एनवायरनमेंट, कोई बिल्कुल यहाँ पर शून्य होता है, खाली जगह होती है, तो ये अणु आसानी से इस एनवायरनमेंट में बाहर निकल सकते हैं और ये आसानी से उबल सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम ताप देने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि जब बहुत ही कम ताप में ये अणु, इनकी बॉन्ड जैसे ही टूटते हैं तो ये अणु स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर इनको एक्स्ट्रा दाब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। लेकिन अगर वायुमंडलीय मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, वायुमंडल उपस्थित है, तो ये जो वाष्प के अणु हैं जो कि इस द्रव से निकले हैं, ये आसानी से एनवायरनमेंट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायु दाब लग रहा है, तो यहाँ पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जो समुद्री सतह है, समुद्री सतह पर वायु की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत सारे वायु में जो विभिन्न गैसें होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, साथ ही साथ ये जो सरफेस होता है, समुद्री सतह होती है, या समुद्री सतह के रेंज में जो भी स्थल मंडल है वहाँ पर अगर हम देखें, तो वहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वायु के, ये एक प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर देने पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर जल उबलता है, ठीक है। मतलब जल की जो वाष्प है, उसका वाष्प दाब 1 ATM होता है 100 डिग्री पर। लेकिन अगर हम पर्वतों पर देखें, पर्वतों पर वायु दाब कम होता है, मतलब वायु की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और वायु की कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण यहाँ पर जब हम जल को उबालते हैं, तो यहाँ पर जल बहुत जल्दी उबलने लगता है, 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है, जल के अणुओं को, जल के जो वाष्प के अणु हैं, उनको वायुमंडल से नहीं लड़ना पड़ता है, वायुमंडल से ये लड़ते नहीं हैं और आसानी से ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कोई भी मॉलिक्यूल्स उपस्थित नहीं होता है। एक बात और है कि अगर हम प्रेशर कुकर को देखें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि ऊपर का जो वायुमंडल है, वो उस वायुमंडल से इसके अंदर जो द्रव होता है उसको सेपरेट रखा जाता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो अंदर जो वाष्प बनती है, उस वाष्प की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, तो वह वाष्प दाब जो है इस अंदर के द्रव पर एक दाब डालने लगता है, जिसके कारण जो वाष्प के अणु हैं, वो वाष्प के अणु यहाँ पर जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो द्रव है वो आसानी से नहीं उबल पाता है, और क्वथनांक जो है इंक्रीज़ हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो द्रव है, उसकी जो वाष्प बनती है, वो वाष्प का संघनन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाष्प, बहुत सारी वाष्प बन जाती है, तो वाष्प दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक मतलब उबलने से पहले ही जो खाना है बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाष्प के अणु हैं उनका दाब बहुत ज़्यादा होता है, और इस वाष्प दाब में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसके कारण यहाँ पर खाना जल्दी बन जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो वाष्प दाब है, वाष्प वायुमंडल में भी नहीं निकल पा रही है, तो वाष्प का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, वाष्प दाब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज भोजन को पकाने में यहाँ पर हो जाता है, और इसी कारण से यहाँ जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, इसमें खाना जल्दी बन जाता है। तो ये क्वथनांक जो है, क्वथनांक एक तरह से क्या है,
वायुदाब और वाष्पदाब का एक समन्वय है। जब वाष्पदाब वायुदाब के बराबर हो जाता है तो हम उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि क्वथनांक जो है वह एक तरह से एक ऐसा ताप है, किसी द्रव के लिए एक ऐसा ताप है जिसमें उस द्रव के अणुओं का जो वाष्पदाब है वो एक एटीएम तक पहुंच जाता है, मतलब उस वाष्पदाब इंक्रीज होकर एक एटीएम तक पहुंच जाता है। तो हम कहते हैं कि उस वह ताप जो है उस द्रव का क्वथनांक है, ठीक है, क्योंकि एक एटीएम सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है और सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर जब वाष्पदाब हो जाता है तो ये जो द्रव है उबलने लगता है। तो इस कारण से इसको हम उबलन बिंदु भी कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम क्वथनांक में उन्नयन को देखें तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को समझना आवश्यक है कि जब द्रव के अणुओं में आकर्षण बढ़ता है, जब द्रव के अणुओं में आकर्षण बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है। मतलब जैसे यहाँ पर जो जल के अणु हैं, ये जल के अणुओं को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है ना, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए जो वॉन्डर वॉल्स बल हैं, ठीक है, जल के अणुओं के बीच में द्रव अवस्था में दो जल के अणुओं के बीच में एक वॉन्डर वॉल्स बल होता है जो टूटता है, जिसके कारण जल के अणु स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मतलब जल के अणु स्वतंत्र होते हैं, ना कि जल का अणु टूटता है, जल का अणु नहीं टूटता है। यहाँ पर जल के दो जल के अणु वॉन्डर वॉल्स बल से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर ये वायुमंडल में स्वतंत्र होकर यहाँ वहाँ गति करते हैं, जिसके कारण जिसको हम इसका वाष्पदाब कहते हैं द्रव जल का। तो द्रव के अणुओं में ये आकर्षण वॉन्डर वॉल्स बल जो है ये आकर्षण होता है, इसको तोड़ने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर किसी द्रव के अणुओं में यह आकर्षण बढ़ जाता है और बढ़ जाता है तो फिर इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और जिससे उस द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब द्रव के अणुओं में आकर्षण बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको हम समझते हैं कि राउल्ट के नियम से इसको समझते हैं। राउल्ट के नियम क्या कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जब विलायक मतलब जल में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अवाष्पशील विलेय है जैसे नमक है, NaCl है, यह एक अवाष्पशील विलेय है। अगर यह नमक जब जल में डाला जाता है तो पहले जल के अणुओं को अगर हम देखें तो पहले जल के अणुओं के बीच में सामान्य प्रकार का बल होता है, वॉन्डर वॉल्स बल, जिसके द्वारा जल के दो अणु आपस में जुड़े होते हैं, आपस में आकर्षित तो होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में जब NaCl डाला जाता है जल में तो NaCl एक बाईपोलर मॉलिक्यूल्स होता है और एक ध्रुवीय अणु होता है और जल का अणु भी ध्रुवीय होता है। तो जब दोनों ध्रुवीय अणु आपस में मिलते हैं तो इनमें एक प्रबल बाइंडिंग हो जाती है, एक प्रबल बंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्रबल तरीके से ये जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर द्रव के जो अणु हैं, अब यहाँ पर दो प्रकार के अणु हैं, एक तो अवाष्पशील विलेय है और दूसरा है जल, और ये दोनों ही ध्रुवीय अणु होते हैं तो इनके धन और ऋण ध्रुव एक चुंबक के दो ध्रुवों, दो विपरीत ध्रुवों की तरह आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं कि इनमें आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के कारण इस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसको हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। अगर हम क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफीय स्वरूप देखें तो इसमें हम दो अक्ष देखेंगे, इसमें एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, जिसमें हम वाष्पदाब और ताप को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ताप केल्विन में है लेकिन यहाँ पर मैंने 100 डिग्री लिख दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि जल का एक जल का क्वथनांक होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो वह उसका वाष्पदाब बढ़ता है, ठीक है, किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्पदाब बढ़ता है। अगर हम जल की बात करें जो कि एक विलायक है, इसको हम जब गर्म करते हैं 100 डिग्री तक तो 100 डिग्री पर जल का वाष्पदाब एक एटीएम हो जाता है, जो कि सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।
तो विलायक का जो वाष्पदाब है एक एटीएम कब हो जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर एक एटीएम हो जाता है। लेकिन जब विलायक में नमक डाल दिया जाता है या कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया जाता है, तो अवाष्पशील विलेय क्या है, ऐसा विलेय जो कि वाष्प में नहीं बदल सकता है। मतलब अगर हम जल में नमक डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं तो जल वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन नमक वाष्प में नहीं बदलेगा या शक्कर वाष्प में नहीं बदल सकती है। तो जब विलायक में नमक या शक्कर या कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है और जो विलयन बनता है, तो यहाँ पर इस विलयन में जो अणु होते हैं द्रव के, उनमें प्रबल आकर्षण हो जाता है, जिसके कारण जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर जो विलयन का वाष्पदाब है वो एक एटीएम नहीं होता बल्कि एक एटीएम से कम होता है। मतलब विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पर ये विलायक का वाष्पदाब 100 डिग्री पर एक एटीएम था, लेकिन विलयन का वाष्पदाब 100 डिग्री पर यहाँ पर है, मतलब यहाँ इस रेंज में है। इसका मतलब है कि एक एटीएम से वाष्पदाब कम है, और वाष्पदाब एक एटीएम कब होता है, जब उसमें 100 डिग्री से हम उसको डेल्टा टीबी टेम्परेचर, मतलब कि क्वथनांक जो है वह डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, ठीक है। डेल्टा टीबी टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन का क्वथनांक एक एटीएम के बराबर होता है, ठीक है। 100 डिग्री पर एक एटीएम नहीं है, 100 डिग्री से डेल्टा टीबी टेम्परेचर और दिया जब हमने विलयन को, तब उसका जो क्वथनांक है, उसका जो वाष्पदाब है, एक एटीएम हुआ। तो क्वथनांक में जो इंक्रीज हुआ है, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, डेल्टा टीबी हुई है, इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब क्वथनांक में जो इंक्रीजिंग हुई है, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, इसको हम डेल्टा टीबी कहते हैं। डेल्टा टीबी जीरो जो है, टीबी जीरो जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, मतलब जल का क्वथनांक है, और टीबी विलयन का क्वथनांक है जिसमें डेल्टा टीबी की वृद्धि हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेल्टा टीबी है ये क्वथनांक में उन्नयन है, और इसको हम विलयन के क्वथनांक में से जब हम विलायक का क्वथनांक घटा देते हैं तो यह जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब चूंकि क्वथनांक एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है कि पदार्थ कितना है, पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है, मतलब विलयन की मात्रा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो हम एक निश्चित विलयन के, एक निश्चित विलयन में एक अणुओं की संख्या को देखें तो वह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इस तरह से जो क्वथनांक में उन्नयन है वो भी अनुक्रमानुपाती होगा मोलता की, ठीक है, क्योंकि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और इसके लिए फिर एक कांस्टेंट भी प्राप्त होगा जिसको हम यहाँ पर के बी लिख रहे हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर होगा के बी इंटू एम। के बी क्या है, यहाँ पर विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब वह विलयन, उस विलयन की वह मात्रा एक निश्चित मात्रा के लिए उसका इंक्रीजिंग पॉइंट है विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इस तरह से क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो कुल मिलाकर उस लिक्विड, उस द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण के कारण होता है। आकर्षण बढ़ जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, किसी द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण है, ठीक है। ये आकर्षण अधिक होता है तो उस द्रव को, उस द्रव का उबलन बिंदु जो है वह ताप नहीं होता है, वह ताप इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। एक जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है लेकिन उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो अवाष्पशील विलेय एक तो अवाष्पशील है, मतलब यह वाष्प में नहीं बदल सकता है, ठीक है, और दूसरा ये एक बाइपोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इनमें आकर्षण बढ़ जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।